रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में अब बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी। इसके लिए रामगढ़ जिला प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है। बता दें कि मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर परिसर स्थित भैरवी और दामोदर नदी देश और विदेश में एक सिद्धपीठ के रूप में ख्याति है। श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने के बाद लोग यहां बलि चढ़ाते हैं। रोजाना लगभग 150 बकरों की बलि दी जाती है, जिससे मंदिर परिसर में फैले खून बिखर जाते हैं और श्रद्धालुओं को इससे काफी परेशानी भी होती है। वहीं रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली बनाने के लिए रजरप्पा मंदिर परिसर में मिथिनेशन प्लांट लगाया जाएगा, साथ ही एक सेमी ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस और अगरबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। देखिए, आप लोग जैसे जानते हैं कि रामगढ़ जिला में एक सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जिसमें लगभग जो जिला प्रशासन ने असेसमेंट किया कि लगभग 1 क्विंटल प्रतिदिन फूल पत्तियां बेलपत्र सब मिला करके वो चढ़ावा चढ़ता है और पीक सीजन में लगभग 100 से 150 बकरों की प्रतिदिन वहाँ पर बलि चढ़ती है। और ये पूरा जो फूल पत्तियाँ बेलपत्र और जो पशु बलि का ब्लड होता है वो पूरा वहाँ पर जो भैरवी और दामोदर नदी है उसमें फेंका जाता था। तो इसको लेकर के ज़िला प्रशासन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जो कि अभी मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इस महीने के अंत तक उसको धरातल पर उतार पाएंगे, जिसमें हम लोगों का प्लान है कि जो ये पशु बलि में रक्त निकलता है, ब्लड निकलता है और जो वेस्टेज होता है, उसके लिए हम लोग एक मिथिनेशन प्लांट लगाएंगे, जो कि एक सेमी ऑटोमेटेड प्लांट होगा और वो पूरा वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके लगभग पर डे 23 किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा। ये बिजली जो वहाँ पर मंदिर प्रांगण है उसके लिए, जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं और उनकी जो छोटी मोटी बिजली की ज़रूरतें हैं उसके लिए पर्याप्त होगी। दूसरा इसका पार्ट है वो है जहाँ पर फूल और बेलपत्र जो चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी सेमी ऑटोमेटेड होगा और वो इनको प्रोसेस करके अगरबत्तियाँ बनाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस में, जैसे मैंने बताया कि मशीन सेमी ऑटोमेटेड होगी तो हमें उसमें मैनुअल पावर मैनुअल लेबर की ज़रूरत होगी, तो वो मैन पावर हम लोग वहाँ स्थानीय लोगों से ही लेंगे ताकि लोगों का रोजगार पर भी असर नहीं पड़े और हम लोग ये नमामि गंगे के तहत जो तमाम जिला प्रशासन कार्य कर रहा है उसको भी हम लोग चरितार्थ कर सकें। किस योजना के तहत ये निर्माण कार्य किया जाएगा और कितने लागत की रहेगी? ये हम लोगों ने जिला खनिज फाउंडेशन मद से ये योजना लिया है और इसकी लागत 72 लाख रुपए है पूरा प्लांट सेटअप करने का। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।